सोलर पावर एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस फ्री और अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स को यूज करके आप अपने घर में लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला सकते हैं और साथ साथ बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो बिजली आप इन दोनों कामों के लिए यूज कर रहे थे उसे ना यूज करके आप पैसे भी बचा सकते हैं। सोलर पावर यूज करने के लिए आपको अपने घर में सोलर पावर सिस्टम लगाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, डीसी सिस्टम, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इस वीडियो में हम ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम कैसे काम करता है ये समझेंगे। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो पावर स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमम यूटिलाइज करता है। ये सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल के आपके घर का लोड चलाता है और साथ साथ बैटरी भी चार्ज करता है। एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर चार्ज कंट्रोलर और मेन्स चार्जर इनबिल्ट होता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से आप सिस्टम के साथ लगे बैटरी को सोलर पावर से चार्ज कर सकते हैं और घर के लोड भी चला सकते हैं। जब सोलर पावर अवेलेबल ना हो मेन्स से आप अप्लायंस रन कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को सोलर पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री सोलर पावर का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ब्रेनी इको दोनों सोलर पावर और मेन सप्लाई से चल सकता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपके घर में लगे लोड को चलाने के लिए और बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत सारे स्मार्ट वर्किंग कंडीशंस हैं। अभी हमने इस सिस्टम के साथ 300 वॉट के सोलर पैनल यानी कि 300 वॉट के पैनल पैरेलल कनेक्शन में इंस्टॉल कर रखे हैं। इसके साथ आप एक 150 AH 12 वोल्ट यानी कि 1800 वॉट की बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में लगे अप्लायंस जैसे कि फैन, बल्ब, टीवी, जो आप फ्री सोलर एनर्जी से रन करना चाहते हैं, उसकी कनेक्शन आपने ब्रेनी इको के साथ कर दी है। ये स्मार्ट सोलर होम UPS इन सारे अप्लायंसेस को बड़े आसानी से चला सकता है और बड़े ही इंटेलिजेंटली बैटरी भी चार्ज कर सकता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम को 300 वॉट सोलर पैनल से पूरी 300 वॉट सोलर पावर मिल रहा है और आपके घर में लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप सोलर एनर्जी से चलाना चाहते हैं उन्हें रन करने के लिए 200 वॉट पावर की जरूरत होगी। तो ये सिस्टम इस कंडीशन में 300 वॉट सोलर पावर में से 200 वॉट यूज करके लोड को चलाएगा और बचे हुए 100 वॉट से बैटरी चार्जिंग करेगा। इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे पहला काम होता है फ्री सोलर एनर्जी से घर में लगे अप्लायंसेस को चलाना और बचे हुए पावर से बैटरी चार्ज करना। आप यहां देख सकते हैं कि इन दोनों कामों को पूरा करने के लिए सोलर पावर ही काफी है, इसलिए ये स्मार्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम मेन सप्लाई को यूज नहीं करता, जिससे आपके बिजली के बिल की काफी बचत होती है। कंडीशन नंबर 2, 300 वॉट सोलर पैनल सिर्फ 200 वॉट सोलर पावर ही प्रोड्यूस कर रहा है और आप अभी भी 200 वॉट के अप्लायंस रन कर रहे हैं, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम ये पूरी एनर्जी उन अप्लायंसेस को चलाने में इस्तेमाल करेगा और इस कंडीशन में बैटरी चार्ज नहीं होगी पर डिस्चार्ज भी नहीं होगी। इस कंडीशन में भी ये मेन सप्लाई को कट करके रखता है। कंडीशन नंबर 3, 300 वॉट सोलर पैनल 100 वॉट सोलर पावर जनरेट कर रहा है और आप 200 वॉट अप्लायंस रन कर रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम बचे हुए 100 वॉट मेन से लेके लोड को रन करेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इस ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ एक 1800 वॉट की बैटरी भी कनेक्ट कर रखी है जो अभी तक सोलर पावर से चार्ज हो रही थी, तो इस कंडीशन में अप्लायंस को चलाने के लिए 100 वॉट मेन से ना लेकर बैटरी से देगा। इस कंडीशन में 1800 वॉट की बैटरी 100 वॉट से धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। सारे कंडीशंस को अच्छी तरह से समझने के बाद हमने ये जान लिया कि एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सोलर पावर को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है और इस फ्री पावर को चलाने के लिए और बैटरी चार्जिंग के लिए इफेक्टिवली यूज करता है, जिससे आपकी बिजली के बिल की काफी बचत होती है। एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में मेन्स की कनेक्शन कब और कैसे होगी इसके भी अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इस सिस्टम में लगी 1800 वॉट की बैटरी 100 वॉट से धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि सोलर पैनल से मिलने वाला पावर लोड चलाने के लिए काफी नहीं है। पहले कंडीशन में जब बैटरी का रिजर्व 70% रह जाएगा तो सिस्टम में मेन्स पावर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये कंडीशन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने बैटरी में ज्यादा रिजर्व रखना चाहते हैं, ताकि जब सोलर और मेन्स पावर दोनों ही अवेलेबल ना हो या उनके एरिया में पावर कट ज्यादा हो तो बैटरी में बचे रिजर्व से वो ज्यादा देर तक अपने घर में लगे अप्लायंसेस को चला सकते हैं। लेकिन जिन लोकेशंस पे पावर कट्स कम है और आप ज्यादातर सोलर पावर से चार्ज हुई बैटरी से बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैटरी के रिजर्व को 50% या 30% पे भी रख सकते हैं।
डिस्चार्ज मोड में जब बैटरी में 50% या 30% रिजर्व बच जाएगा तो इस सिस्टम में मेंस पावर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे ही ऑफग्रिड सोलर पावर सिस्टम में मेंस पावर की कनेक्टिविटी होती है, आपके घर में लगे लोड मेन सप्लाई से बाईपास मोड पे ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है। इस दौरान अगर सोलर पावर भी अवेलेबल है तो ये सिस्टम इस पावर को बैटरी चार्ज करने के लिए यूटिलाइज करेगा। इन सारे कंडीशंस को समझने के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम लोड को चलाने के लिए एक वक्त पे एक ही पावर सोर्स का इस्तेमाल करता है। अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो लोड सोलर पावर से चलेगा और मेंस पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर सोलर से कम पावर जनरेट हो रही है तो लोड को चलाने के लिए बाकी पावर ये बैटरी से लेगा। इस कंडीशन में भी ये सिस्टम मेंस को डिस्कनेक्ट करके रखता है। कभी भी लोड को चलाने के लिए ये सोलर और मेंस पावर का एक साथ इस्तेमाल नहीं करता। पर बैटरी को चार्ज करने के लिए आप अगर चाहें तो मेंस पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेनी इको सोलर पैनल से जनरेट होने वाली 100 वॉट सोलर पावर को बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करता है, जिससे एक 1800 वॉट की बैटरी थोड़ी धीरे धीरे चार्ज होगी, क्योंकि बैटरी को ठीक से चार्ज करने के लिए 180 वॉट पावर की जरूरत होती है। सोलर पैनल से अभी हमें 100 वॉट मिल रही है, तो बाकी 80 वॉट ये मेन से लेकर बैटरी को बड़ी ही एफिशिएंटली चार्ज करेगा, पर ओवरचार्ज कभी भी नहीं करेगा। इस फीचर को हम इंटेलिजेंट चार्जिंग शेयरिंग फीचर के नाम से जानते हैं। ये फीचर आपको किसी नॉर्मल ऑफ ग्रिड सोलर UPS में नहीं मिलेगा। आप अगर चाहें तो इस ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में लगे एक स्विच से मेन्स चार्जिंग बंद भी कर सकते हैं, ताकि आपके बिजली के बिल की बचत हो सके और ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करें। इस केस में बैटरी कभी भी मेन सप्लाई से चार्ज नहीं होगी। इस स्विच को आप जैसे ही अनेबल करेंगे, बैटरी मेन सप्लाई से भी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपने घर के बिजली के बिल की बचत करना चाहते हैं और सोलर पावर से अपनी खुद की बिजली जनरेट करना चाहते हैं, तो अपने घर में एक स्मार्ट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना ही आपके सबसे बड़ी ज़रूरत है।